जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर हमारा नॉर्मलाइजेशन का स्कोर हमको कब पता चलेगा, साथ ही हमारी फिजिकल की कट ऑफ कब आएगी, उसके बाद में फिजिकल की डेट कब आएगी, क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन का स्कोर और फिजिकल की डेट हमको एक साथ ही पता चल जाएगी या सबके बीच में कुछ गैप रहता है या फिजिकल कब से शुरू होंगे। ये वीडियो पूरा का पूरा इस बात को लेकर है। आप सबको बता दूं, जैसे कई बार क्या हो रहा है, जैसे पिछले वीडियो में बताया था बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ वेबसाइट है जो आपको ये दावा करती है कि हम आपका फाइनल स्कोर दिखा देंगे कि आप अपनी शिफ्ट डालिए, अपने नंबर डालिए, जो करेक्ट वरेक्ट है वो सब बता देंगे। देखो वो जो साइट है ना वो करेक्ट और इनकरेक्ट बताने तक ठीक है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन जो बता रहे ना वो बिल्कुल गलत है, उसको अपना फाइनल स्कोर मत मान लेना। हाँ वो गलत सही बता सकते हैं कि कितने करेक्ट है और कितने करेक्ट, क्यों? क्योंकि उसमें आप अपना पेपर डाल रहे हैं, उसका लिंक डाल रहे हैं, तो उससे क्या कि वो कलेक्ट कर लेती है कि इतने सही इतने गलत, ये आपका रो मार्क है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का स्कोर उससे पता नहीं चलेगा। तो आपको नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कब पता चलेगा? नॉर्मलाइजेशन का आपका स्कोर पता चलेगा जिस दिन आपकी फिजिकल की कट ऑफ आएगी। ध्यान रखना, फिजिकल की कट ऑफ जिस दिन आएगी उसी दिन आपको नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितने नंबर मिले नॉर्मलाइजेशन के साथ। ठीक है, क्या उसी दिन आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो सबसे पहले जो पहली संभावना मैं आपको बता दूं कि 20-4 की संभावना है कि 20-4 से पहले पहले आपकी फिजिकल की कट ऑफ आ जाएगी कि किस बच्चे का नंबर आया है। जितने जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो तो आप सबको पता है, लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, 26,000 कुछ पोस्ट है, लगभग 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लड़के और लड़कियां दोनों। 20 तारीख के आसपास आपकी अगर फिजिकल की कट ऑफ, जैसे कि अनुमानित डेट है कि इस डेट के आसपास आपकी फिजिकल कट ऑफ आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि आंसर की लगभग 10 से 12 दिन के अंदर अंदर भीतर भीतर फिजिकल की कट ऑफ आ जाती है, अगर सही समय पर भर्ती चले तो। ठीक है, क्योंकि अगस्त में अगली भर्ती भी है, तो 20,000 तक अगर फिजिकली कट ऑफ आएगी तो उसी के साथ में आपका नॉर्मलाइजेशन का फाइनल स्कोर आ जाएगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन में स्कोर मिला है। ठीक है, उसके बाद में जब ये आ जाएगा उसके बाद में एक लिस्ट आएगी जिसमें जो जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे उनकी लिस्ट आएगी, वो लिस्ट जारी होगी। ये लिस्ट जारी होने के बाद में हो सकता है कि इस लिस्ट के साथ में डेट मेंशन रहे फिजिकल की, या इसके साथ में मेंशन रहे आपके एडमिट कार्ड की कि किस डेट से एडमिट कार्ड जारी होंगे फिजिकल के लिए। तो ये जो लिस्ट आएगी ना, इस लिस्ट के साथ में आपकी डेट आएगी फिजिकल की। अब अगर हम बात करें नॉर्मली कि भाई 20 तारीख तक आपकी कट ऑफ आ जाती है, जैसे कि पिछली भर्तियों की अगर हम रिजल्टों की बात करते हैं उसके हिसाब से, तो 20 तारीख तक फिजिकली कट ऑफ आ जाती है, फाइनल स्कोर आपका 20 तारीख को आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मिले कितने नहीं मिले, और जो लिस्ट है वो भी आपकी 20-21 तारीख को जारी हो जाएगी। हो सकता है कि उसी दिन जारी हो जाती है, कई बार अगले दिन तक जारी होती है। तो उसके बाद में अगर ये 20 तारीख तक सारी कार्रवाई होगी तो मान के चलना 100% मई में आपके फिजिकल होंगे, मई के महीने में आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे और मई से आपके फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे। इतना ही समय है, क्यों? क्योंकि मई और जून में चले गए फिजिकल, जुलाई लास्ट तक होने हैं आपके मेडिकल, और अगस्त में देनी है फाइनल मेरिट, क्योंकि अगस्त में एसएससी जीडी की अगली भर्ती है, समझ गए? और उसमें आपको पता है जो नया कैलेंडर उसमें थोड़ा सा चेंज भी हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या चेंजिंग आ गया है, समझे बात को? पहले वाली डेट में अपडेट में थोड़ा सा पेपर जो एग्जाम टाइम है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है, पिछली बार अगस्त में क्या हुआ था, जो अगस्त वाली भर्ती थी उसके पुराने कैलेंडर में क्या हो रहा था, जो एग्जाम डेट दे रखी थी वो दिसंबर जनवरी, लेकिन अब जो नया कैलेंडर आया उसमें क्या दे दी कि जनवरी फरवरी, समझ गए बात को? थोड़ा सा डिले है, तो हो सकता है कि अगस्त तक आपके मेडिकल होंगे, इस बार अगस्त में रिजल्ट जारी हो या उससे 5-10 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अगस्त तक सही तरीके से भर्ती माने तो इस प्रकार से कार्रवाई होगी, आपके पास में एसएससी जीडी रनिंग के लिए ये समय बचा है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास में अप्रैल का महीना है, दोनों टाइम रनिंग कर सकते हैं, एक टाइम रनिंग कर सकते हैं, अगर टाइमिंग आपकी अच्छी आ रही है तो। ठीक है लड़के, ध्यान रखना 1600 मीटर की आपकी रनिंग है, आसान नहीं है, अभी से शुरू कर देना, क्योंकि जो लॉन्ग रनिंग होती है लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा चाहिए आपका अभ्यास, सांस की एल्गोरिदम सेट है, आप रनिंग कर लोगे, नहीं तो नहीं कर, समझ गए बात? तो इस बात का ध्यान रखना। तो इस हिसाब से आपका फिजिकल का जो कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर बता रहे हैं बिल्कुल फर्जी है, ध्यान रखना, उस समय जो आएगा वही आपका वास्तविक नॉर्मलाइजेशन का स्कोर होगा, और मई से आपके फिजिकल शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस है, 100% मान सकते हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।